हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 7 पुलिसकर्मी सहित एक नागरिक भी घायल हो गया। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। बसपा नेता मायावती ने जहां मृतक पुलिस परिवार के किसी सदस्य को नौकरी और समुचित अनुग्रह राशि देने की मांग की है, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। अब सवाल उठता है कि ये विकास दुबे हैं कौन, जिन्हें पकड़ने गए डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को फायरिंग में अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है जिस पर हत्या जैसे कई संगीन आरोप दर्ज हैं। दुबे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बताया जाता है। वैसे भी भारतीय राजनीति में अपराधी और नेताओं का गठजोड़ कोई नया नहीं है। विकास दुबे का नाम अपराध जगत से करीब 3 दशक से जुड़ा है। इलाके में विकास छोटा मोटा कभी बदमाश हुआ करता था। मारपीट के मामले में जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती थी तो स्थानीय नेता से लेकर सांसदों तक के फोन उसे छुड़ाने के लिए आ जाते थे। कानपुर के जिस इलाके से विकास दुबे का रिश्ता है वो ब्राह्मण बाहुल इलाका है, लेकिन वहाँ की राजनीति में पिछड़े जाति के नेता हावी थे, जिसे कम करने के लिए स्वजातीय नेताओं ने विकास दुबे का खूब इस्तेमाल किया। लेकिन विकास दुबे की नजर राजनीति के अलावा इलाकों की जमीन पर भी थी, जिनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। दिलचस्प तो यह है कि 30 सालों में पहली बार 2005 में विकास दुबे पर थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा। संतोष शुक्ला की हाई प्रोफाइल हत्या के बावजूद किसी भी पुलिस वालों ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। मुकदमा लंबा चला और साक्ष्य पेश न कर पाने की स्थिति में विकास को छोड़ना पड़ा। इसके एक साल पहले कानपुर के इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक और प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे को नामजद किया गया था। सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में उसे उम्र कैद हुई थी, लेकिन वो जमानत पर छूट गया। साल 2004 में विकास दुबे केबल व्यवसायी की हत्या में जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन वो फिर से जमानत पर छूट गया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला बोला था। इन पर आरोप है कि इसने जेल में रहते हुए ही हत्या की साजिश रची और हत्या करा दी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को बीएसपी का खुला समर्थन प्राप्त बताया जाता है। 2002 में जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो उस दौरान बिल्हौर, शिवराजपुर, रानिया, चौबेपुर और कानपुर में विकास दुबे का सिक्का चलता था। इस दौरान विकास ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे भी किए और जेल में रहते हुए उसने शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी जीत लिया। 10 गांव में विकास दुबे का नाम ऐसा चलता था कि उसके इशारे पर ही वोट पड़ जाते थे। ऐसे में हर दल के नेता विकास का साथ चाहते थे। 60 से ज्यादा दर्ज मुकदमों वाला हिस्ट्री शूटर विकास दुबे का बिठूर के शिवली के बिकरू गांव का घर एक किले की तरह है, जहां उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। विकास दुबे ने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। बिठूर में विकास दुबे का स्कूल कॉलेज के अलावा एक लॉ कॉलेज भी है। विकास दुबे के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बेटा कानपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। विकास की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत सदस्य हैं। आपको बता दें कि कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के पीछे मुखबरी की बात सामने आ रही है। विकास को पता था कि पुलिस वाले कब किन हथियारों के साथ दबिश देंगे। रात 12 बजे जब पुलिस गांव में घुसने लगी तो जेसीबी खड़ा कर पुलिस वालों का रास्ता रोक दिया गया। जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ती, छतों पर से गोलियों की बौछारें होने लगी और पुलिस संभलती, इससे पहले विकास दुबे और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में एसटीएफ तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने सूबे की 7,000 पुलिस विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगा दी है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।